रेलवे पुलिस फोर्स यानी आरपीएफ को ये गुप्त सूचना मिली थी कि अंडमान एक्सप्रेस में अवैध तरीके से शराब ले जाई जा रही है, जिस दौरान सूचना के आधार पर आरपीएफ ने कार्रवाई को अंजाम दिया। रेलवे सुरक्षा बल पिछले कई सालों से जो ट्रेनों में अवैध दारू ले जाई जाती है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, और क्योंकि विभिन्न राज्यों में दारू के दाम अलग अलग हैं, इस कारण अधिकतर जो है हरियाणा या दिल्ली साइड से या गोवा साइड से दारू उन शहरों में ले जाई जाती है जहाँ पे वो महंगे दामों में बिकती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कल जो है हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि अंडमान एक्सप्रेस में दारू ले जाई जा रही है। इससे पहले भी अंडमान एक्सप्रेस में हमने कई बार दारू पकड़ी है, और इस इन्फॉर्मेशन पे कल जो है लगभग 1.5 लाख के ऊपर जो इंग्लिश दारू है वो हमने पकड़ी है और उसको आगे कार्रवाई के लिए हैंडओवर किया। जो मैंने बताया जैसे कि आरोपी है वो मेन रूट आपका हरियाणा से वो लोग लेते हैं, हरियाणा में सस्ती दारू रहती है, और टुवर्ड साउथ वो जाके उसको महंगे दामों पर बेचते हैं, और उसमें एक आदमी को पकड़ के हैंडओवर किया जा रहा है।